हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैसेरगढ़। तो हमारी क्लास सिक्स की साइंस का चैप्टर फिफ्थ चल रहा है। चैप्टर नेम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनका पृथक्करण, उनको कैसे अलग किया जा सकता है। तो पिछली वीडियोज़ के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं मिक्सचर, यानी कि मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण कितने प्रकार का होता है, मैथड्स ऑफ सेपरेशन के अंदर हम कर चुके हैं हैंड पिकिंग, सीविंग, विनोविंग, थ्रेसिंग, सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक है इवेपोरेशन, जिसको हिंदी में वाष्पीकरण कहा जाता है। तो क्या होता है इवेपोरेशन? इवेपोरेशन इज यूज टू सेपरेट ए सोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी जो घुलनशील ठोस पदार्थ है उसको विलयन से अलग करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो इवेपोरेशन कहलाती है। इवेपोरेशन कैन बी मेड क्विकर बाय हीटिंग द सॉल्यूशन, और इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है उसको और भी अधिक तेजी से किया जा सकता है अगर सॉल्यूशन को क्या किया जाए, हीट किया जाए, यानी कि उसको गर्म किया जाए। वी नो दैट वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग, हम ये जानते हैं कि जो पानी है जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो भाप में बदल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ये प्रक्रिया भी इवेपोरेशन कहलाती है। इन नेचर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन गोज ऑन कंटिन्यूसली, तो प्रकृति के अंदर जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो लगातार होती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है कॉमन साल्ट इज आल्सो ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, जैसे कि जो साधारण नमक है जो हम घरों के अंदर खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो जो कॉमन साल्ट है वो भी इवेपोरेशन की प्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। द सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन द सैलो पिट्स, तो जो समुद्र का पानी होता है उसको कम गहरी जो क्यारियाँ हैं उनके अंदर भर दिया जाता है। ड्यूरिंग द डे द वाटर स्लोली इवेपोरेट्स बाय द हीट ऑफ द सन, अब दिन के समय क्या होता है कि सूर्य की गर्मी होती है और पानी जो है वो गर्म होने की वजह से इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि भाप में बदलना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे वहाँ से वो सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है उन क्यारियों के अंदर से और पीछे रह जाता है नमक यानी कि साल्ट। इन ए फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट, दिस साल्ट इज फर्दर प्योरीफाइड फॉर कॉमन यूज, तो उसके बाद ये जो नमक है ये वहाँ से हटा लिया जाता है, इकट्ठा करके फिर इसको फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर भेज देते हैं जहाँ पे इसको प्योरीफाई किया जाता है, यानी कि इसको शुद्ध किया जाता है, इसके अंदर आयोडीन मिक्स की जाती है, पैकिंग की जाती है और फिर मार्केट में सेल किया जाता है। तो ये इवेपोरेशन का एक यूज बताया गया है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे कि कोई भी जो लिक्विड है उसको गर्म करने से अगर वो भाप में बदल रहा है तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, क्या पानी के अंदर कोई भी जो पदार्थ हम मिलाते हैं यानी कि मिक्स करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं उसके अंदर, तो क्या उसकी कितनी भी मात्रा हम उसके अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं? तो ये एक क्वेश्चन है। वी हैव लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर दैट वाटर डिजॉल्व ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेज इन इट, तो हमने पिछले चैप्टर के अंदर ये पढ़ा कि जो पानी है उसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा सब पदार्थों को घोल सकते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के जो पदार्थ होते हैं, अलग अलग तरह के जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको हम पानी के अंदर घोल सकते हैं, जैसे कि चीनी हो गई, शुगर हो गई, ये साल्ट हो गया, ठीक है। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व द अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट, यानी कि ऐसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने अंदर मिक्स कर लेता है, अपने अंदर घोल लेता है, तो उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, यानी कि विलायक बोलते हैं उसको हिंदी के अंदर। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर इज कॉल्ड ए सॉल्यूट, अब मान लीजिए कि जो पानी है वो अपने अंदर चीनी को घोल लेता है तो पानी क्या हो गया, यानी कि जो जल है वो सॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन द वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूट, अब जो चीनी है जिसको हमने पानी के अंदर मिक्स किया है यानी कि घोला है, तो जो चीनी है जो कि पानी में घुल जाती है, या आप यूँ कहें कि जो पानी है वो चीनी को अपने अंदर घोल लेता है, तो चीनी यहाँ पे जो होगी वो क्या है? सॉल्यूट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विलेय। तो यानी कि जो पानी है वो विलायक है और जो चीनी होगी जिसको हम कोई भी पदार्थ, जैसे कि हम उसके अंदर अगर नमक मिला रहे हैं तो नमक क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। इसी तरह से कोई अन्य प्रकार का पदार्थ अगर हम पानी में मिक्स कर रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। और जो पानी होगा यानी कि जो जल होगा वाटर, उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। द मिक्सचर फॉर्म्ड बाय द डिजॉल्विंग ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन, तो दोनों के सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से जो भी पदार्थ बनता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, हिंदी में इसको हम कहते हैं विलयन। दस ए सॉल्यूशन इज ए स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मिक्सचर वेयर वन सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन अनदर,
तो इस तरह से विलयन के अंदर हम क्या देखते हैं कि विलयन दो पदार्थों का मिश्रण होता है। इट इज द सेम और यूनिफॉर्म थ्रू आउट दैट मेक्स इट होमोजीनियस मिक्सर। अब हो सकता है कि जो सॉल्यूशन बने, जो विलयन बने, वो एक जैसा हो। तो ये जो अगर जो विलयन है वो एक जैसा है तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर और दैट ऑफ शुगर एंड वाटर। तो होमोजीनियस मिक्सर के कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, जैसे कि पानी के अंदर नमक को मिलाया जाए तो वो मिश्रण जो है नमक का घोल यानी कि साल्ट सॉल्यूशन जो होगा वो होमोजीनियस मिक्सर होता है। तो उसके अंदर आप पहचान नहीं कर सकते कि कौन से वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से साल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह से पानी के अंदर अगर हम चीनी को मिक्स करते हैं तो जो शुगर सॉल्यूशन बनेगा यानी कि चीनी का घोल जो बनेगा, तो वो भी एक तरह का होमोजीनियस मिक्सर है। द सब्सटांस दैट डिजॉल्व्स इन ए सॉल्वेंट इज सेड टू बी सॉल्युबल इन इट। यानी कि कोई भी पदार्थ जो कि सॉल्वेंट के अंदर घुल जाता है यानी कि विलायक के अंदर घुल जाता है, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं कि वो पदार्थ घुलनशील है। जैसे कि हमने पानी के अंदर चीनी को मिलाया तो चीनी क्या है, पानी के अंदर घुलनशील है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड इज टू नो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एनी सॉल्यूट कैन वाटर डिजॉल्व्स। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी पदार्थ जो है जो पानी के अंदर या जल के अंदर हम मिलाते हैं यानी कि जो पदार्थ जल में घुलनशील है, तो उस घुलनशील पदार्थ की कितनी मात्रा जल के अंदर घोली जा सकती है यानी कि कितना अमाउंट, कितनी मात्रा उसकी डिजॉल्व की जा सकती है। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉलिड्स कैन बी डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसा विलयन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कोई भी सॉलिड जो कि घुलनशील है उसकी और मात्रा ना घोली जा सके एक दिए हुए निश्चित तापमान पर। तो किसी भी निश्चित दिए हुए तापमान पर अगर किसी सॉल्यूट की और अधिक मात्रा सॉल्वेंट के अंदर ना मिक्स की जा सके, तो ऐसा जो विलयन बनेगा उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। जैसे कि आप जल के अंदर चीनी को घोल रहे हैं, तो चीनी को अगर आप घोलते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा यानी कि एक सॉल्यूशन ऐसा तैयार हो जाएगा जिसके अंदर आप चीनी और अधिक नहीं घोल पाएंगे। तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा जिसमें आप चीनी और मिक्स नहीं कर सकते, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑन द अदर हैंड व्हेन मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए गिवन सॉल्यूशन इट इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड। और अगर आप किसी सॉल्यूशन के अंदर और अधिक सॉलिड को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठोस पदार्थ को और घोल सकते हैं, तो ऐसा जो सॉल्यूशन है वो कहलाता है अनसैचुरेटेड, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घुलनशीलता। डिफरेंट सब्सटेंसेस डिसॉल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट एट एन गिवन टेम्परेचर। यानी कि किसी दिए हुए निश्चित तापमान पर जल के अंदर या किसी दूसरे प्रकार के सॉल्वेंट के अंदर जो पदार्थ हैं अलग अलग तरह के, तो उनकी अलग अलग मात्रा ही इनके अंदर डिजॉल्व की जा सकती है यानी कि जल के अंदर और दूसरे प्रकार के सॉल्वेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल शुगर डिजॉल्व टू ग्रेटर एक्सटेंट देन कॉमन साल्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि जो चीनी होती है यानी कि शुगर, वो नमक की बजाय ज़्यादा मात्रा के अंदर पानी में घोली जा सकती है। द एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। यानी कि कोई भी पदार्थ की जो मात्रा है कि वो पानी के अंदर कितना घुल सकता है, तो वो क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। द मैक्सिमम मास ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जब हम किसी भी सॉल्यूट की अधिकतम मात्रा किसी दिए हुए निश्चित तापमान पर जितनी अधिक मात्रा हम उसकी घोल सकते हैं उस 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, तो वो उस पदार्थ की क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। यानी कि ये एक डेफिनेशन है जिसके अंदर कि 100 ग्राम सॉल्वेंट होना चाहिए, और उस 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर मान लीजिए कि आपने जल ले रखा है और उसके अंदर उस चीनी की मात्रा जितनी अधिक घोल सकते हो किसी दिए हुए एक निश्चित तापमान पर, तो वो उस चीनी की क्या होगी, उस जल के अंदर घुलनशीलता होगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट जनरली इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा सॉल्यूशन का, तो वैसे वैसे जो घुलनशीलता है वो भी पदार्थ की बढ़ती जाती है। यानी कि सॉल्यूट जैसे कि चीनी के अंदर, चीनी को जो है आप पानी के अंदर घोल सकते हो, आप उसके अंदर मिक्स करते हो, तो जितना वो मैक्सिमम उसके अंदर घुल सकती है वो घुल जाएगी। उसके बाद जब आप उस विलयन का, उस सॉल्यूशन का जब आप उसको हीट करोगे, उसको गर्म करोगे, तो उसके अंदर आप और अधिक चीनी को घोल सकते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ
कि जब हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं यानी कि गर्म करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट को और अधिक डिजॉल्व कर सकते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज इन वाटर इज नॉट सेम, यानी कि अलग अलग पदार्थों की जो घुलनशीलता है वो पानी के अंदर सेम नहीं है। इन अदर वर्ड्स वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट सब्सटेंसेज इन डिफरेंट अमाउंट्स, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अलग अलग तरह के जो पदार्थ हैं उनकी अलग अलग मात्रा पानी के अंदर घुलती है। यू कैन ऑब्जर्व दिस बाय रिपीटिंग द अबव एक्टिविटी विद शुगर इन प्लेस ऑफ साल्ट, यू विल फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इंक्रीज मोर देन दैट ऑफ द साल्ट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी कि जो चीनी है वो नमक की बजाय ज़्यादा जल में घुलनशील होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप और अधिक चीनी की मात्रा पानी में मिक्स कर सकते हो। जनरली सॉलिड्स आर मोर सॉल्युबल एट हायर टेम्परेचर्स, तो जो सॉलिड पदार्थ होते हैं जो कि घुलनशील हैं वो अधिक तापमान पे अधिक घुलनशील हो जाते हैं। सम गैसेज आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, कुछ गैसें भी हैं जो जल के अंदर घुलनशील होती हैं। हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो गैसेज होती हैं वो जब पानी का या जल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी घुलनशीलता पानी के अंदर या जल के अंदर कम हो जाती है, यानी कि जैसे जैसे जल का तापमान बढ़ेगा तो उसके अंदर जो गैसेज हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है। ऑफन ड्यूरिंग समर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझाया गया है कि गर्मियों के मौसम में फिश इन शैलो पॉन्ड्स डाई, यानी कि ऐसा तालाब जिसके अंदर पानी बहुत ही कम है तो उसमें जो मछलियाँ हैं वो मरना शुरू हो जाती हैं, यानी कि वो डाई होना शुरू हो जाती हैं। दिस इज बिकॉज द वाटर इन द पॉन्ड्स गेट वार्म्स ड्यू टू द समर हीट, क्योंकि पानी की मात्रा कम होने की वजह से जो दिन के दौरान सूर्य की गर्मी से पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इंक्रीज होने की वजह से, यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसमें से जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो फिशेज हैं जो मछलियाँ होंगी उनको प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी जिससे कि वो डाई होना शुरू हो जाती है। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेज एंड फिश इन दैट पॉन्ड डाई, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है जिससे जो मछली है वो मरना शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कम्प्लीट हो गया है, अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।